मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने बहोरी बंद में 1161 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से बहोरी बंद क्षेत्र में खेतिहर किसानों को पानी की संकट से जूझना पड़ता था, लेकिन इस परियोजना के शुरू होने पर पठार क्षेत्र में अब किसानों को आसानी से पानी खेतों तक पहुंचाया जाने का कार्य होगा। इसी दौरान सीएम यादव ने कटनी के अरिंदम होटल में आयोजित भाजपा सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि कार्यकर्ता अपने हाथ में पीपल के पेड़ के बीज को पकड़े रहे और एक दिन पीपल का बीज पेड़ बनेगा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, साथ रखती है। जो आज पीपल का पेड़ आज पूरे देश में सदस्यों की संख्या के नंबर पर प्रथम स्थान पर है। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। शुभारम्भ किया गया। मैं आज के अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विजेंद्र शर्मा जी, सभी मित्रों को भेजना चाहता हूँ। लगभग 40 साल पुरानी एक बड़ी परियोजना जो पूरे क्षेत्र की दशा बदलेगी। लगभग सारे गाँव के अंदर ये न केवल अपने स्प्रिंकलर से ड्रिप इरीगेशन से पानी की उपलब्धता देगी, बल्कि नवीन तकनीक के आधार पर एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ कई सारी और परियोजनाओं के लिए भी घोषणा की गई। यहाँ बहोरीबंद को नगर परिषद बनाने की घोषणा मेरे द्वारा की गई है। बहोरीबंद के विकास के मामले में, कटनी के विकास के मामले में कोई और कसर बाकी रहेगी, जो जो माना जाएगा सदैव में कटनी और हमारे बहोरीबंद के विधायक और सांसद जी के साथ।